हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम बेन 10 को कंपेयर करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के न्यू अवेंजर से। अभी तक एमसीयू में हमें कई सारे न्यू अवेंजर देखने को मिल चुके हैं, जिनके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे और बेन 10 के साथ उन सारे कैरेक्टर्स का कंपेरिजन करेंगे और देखें क्या वो बेन 10 को हरा सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि काफी सारे ओल्ड अवेंजर ऐसे थे जो कि बेन 10 को डिफीट कर सकते थे और कुछ अवेंजर ऐसे थे जिनको कि बेन 10 डिफीट कर सकता था। और आज की हमारी इस वीडियो में हम एमसीयू के न्यू अवेंजर को बेन 10 के साथ पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। बात करते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में, तो आज की हमारी इस वीडियो को लाइक एम है 1000 लाइक, 150 कमेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस स्मॉल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। पहले बात कर लेते हैं बेन 10 की पावर के बारे में, फिर जितने भी न्यू अवेंजर्स हैं उन सबको बेन 10 के साथ कंपेयर करेंगे। तो बेन 10 के पास ओमनीट्रिक्स नाम का एक डिवाइस है, जिसमें बेन 10 के कई सारे एलियन अनलॉक हो चुके हैं, जिनका पावर लेवल काफी ज्यादा है। और आपको बता दूं कि बेन 10 एक टाइम पे एक ही एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और बेन 10 की ओमनीवर्स तक हमें जितनी भी स्टोरी देखने को मिली है, उन सारी स्टोरी के अकॉर्डिंग बेन 10 के पास अभी तक मास्टर कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे बेन के पास जितने भी बेन 10 ओमनीवर्स में एलियंस देखने को मिले थे वो सारे अनलॉक है। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं बेन 10 के साथ एक एक करके न्यू अवेंजर को। तो सबसे पहले हम येलेना विलोवा को कंपेयर करते हैं बेन 10 के साथ, जो कि न्यू अवेंजर टीम के काफी यूनिक मेंबर है, जो कि ब्लैक विडो को रिप्लेस करने के बाद एमसीयू के फ्यूचर में हमें न्यू ब्लैक विडो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर ली जाए, क्या ये वाली ब्लैक विडो बेन 10 को डिफीट कर सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाइस हमें पता है कि येलेना के पास भी ब्लैक विडो की ही तरह कुछ टेक है और इसके पास अपने कुछ रिफ्लेक्सेस या फिर स्पीड वगैरह की पावर है। इससे ज्यादा इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। और बेन 10 के साथ अगर इसका कंपेरिजन करें तो यहाँ पे बेन 10 अपने नॉर्मल से नॉर्मल एलियन का यूज करके इजिली जो है येलेना विलोवा को डिफीट कर सकता है, क्योंकि बेन 10 के पास ऐसे कई सारे एलियन है जिनके सामने इसका टिकना लगभग नामुमकिन है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग एक्सेलरेट को ले सकते हो, जिसका स्पीड लेवल काफी ज्यादा है और वो इजिली जो है येलेना विलोवा की ब्लैक विडो को डिफीट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास फाल्कन है, जो की अभी के तौर पे हमें एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की जगह पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस जब फाल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज आई थी उसके बाद हमें पता लग गया कि कैप्टन अमेरिका के तौर पे अभी के टाइम पे हमें फाल्कन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसी चीज हो चुकी है कि जहाँ पे कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है वो फाल्कन को मिली थी, जिसके बाद फाल्कन जो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड को कैरी करता है और कैप्टन अमेरिका की जगह लेता है। हालांकि फैंस ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफी सारे फैंस को कॉमिक के बारे में नहीं पता, लेकिन जो एमसीयू को फॉलो करते हैं उनको क्रिस एवंस ही कैप्टन अमेरिका ज्यादा पसंद थे। तो चलिए फाल्कन को भी कंपेयर कर लेते हैं हम बेन 10 के साथ में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने वाले कैप्टन अमेरिका के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह सब कुछ था, लेकिन फाल्कन की बात करें तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, बस इसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, बाकी पुराने वाला ही फाल्कन है। यहाँ पे फाल्कन कैप्टन अमेरिका की शील्ड का यूज करके अपना बचाव कर सकता है, किसी भी अटैक कर सकता है, प्लस में ये फ्लाई कर सकता है और अपने इक्विपमेंट्स का यूज करके किसी भी अटैक कर सकता है, यानी कि छोटे मोटे ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन बेन 10 के सामने अगर फाल्कन को कंपेयर करें, फाल्कन जो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड से बेन 10 के कई सारे एलियंस से बच सकता है, लेकिन बेन 10 के पास काफी सारे एलियंस है जिनका यूज करके बेन 10 जो फाल्कन को कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ भी डिफीट कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग जेटरे को ले सकते हो, जेटरे का पावर लेवल काफी ज्यादा है, ये लेजर बीम शूट कर सकता है और लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों करेक्टर के बीच बैटल होती है तो जेटरे का यूज करके बेन 10 जो है इजिली फाल्कन को डिफीट कर सकता है, क्योंकि अगर फाल्कन जेटरे पे अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो जेटरे अपनी लाइट की स्पीड का यूज करके फाल्कन के आगे या पीछे से अटैक करके इजिली जो है उसे डिफीट कर सकता है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास यहाँ पे सेंची, जो कि हमें सेंची मूवी में देखने को मिला था और अब ये एमसीयू का पार्ट बन चुका है। अगर इसकी पावर एबिलिटीज की बात करें तो इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है, प्लस में गाइस ये बचपन से मिक्स मार्शल आर्ट जानता है, क्योंकि बचपन से इसने काफी मेहनत करी थी इस चीज को सीखने में। और बात कर ली जाए इसकी स्पेशल एबिलिटीज के बारे में, तो इसके पास 10 रिंग्स है जिनका यूज करके ये काफी सारे डिफरेंट पावर्स का यूज कर सकता है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी वगैरह का, प्लस में इन 10 रिंग्स का यूज करके ये एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे सेंची को अगर बेन 10 के साथ हम कंपेयर करें तो बेन 10 के पास कई सारे डिफरेंट एलियंस है जिनका यूज करके वो सेंची का मुकाबला कर सकता है, और बेन 10 के कई सारे पावरफुल एलियंस है जिनका यूज करके वो सेंची को डिफीट भी कर सकता है। हालांकि सेंची की स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उसके पास 10 रिंग्स है और वो एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए बेन 10 के साथ में बैटल की, तो यहाँ पे बेन 10 के पास कई सारे एलियंस है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग डायमनाइट को ले सकते हो, एक्सेलरेट को ले
ले सकते हो या फिर आप लोग वे विक को भी ले सकते हो जिनका यूज करके बेंटन जो है सेंची को डिफीट कर सकता है। लेकिन अगर बेंटन अपने इन एलियन का यूज करता है और उसके बाद भी सेंची को नहीं डिफीट कर पाता तो बेंटन अपने क्रोमास्टोन का यूज कर सकता है, क्योंकि क्रोमास्टोन के पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर है, उसका स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है, प्लस में काफी पावरफुल अटैक्स भी कर सकता है जिसका यूज करके ये इजिली सेंची को डिफीट कर सकता है। तो बेंटन के पास कई सारे एलियंस के ऑप्शन है जिनका यूज करके वो सेंची को डिफीट कर सकता है। हमारी नेक्स्ट करेक्टर है कैट विशोप, जो कि हमें होकाई की सीरीज में देखने को मिल चुकी है, और एमसीयू में न्यू होकाई हमें कैट विशोप ही देखने को मिलेगी। और बात कर ली जाए कैट विशोप की बेंटन के साथ बैटल की, तो कैट विशोप के पास भी एरो का यूज करने की ही पावर है। यहाँ पे गाइस होकाई की तरह कैट विशोप भी अपने एरोस का यूज करती है, प्लस में इसको कुछ मिक्स मार्शल आर्ट के मूव्स भी आते हैं जिनका यूज करके अपने ओपोनेंट के साथ बैटल करती है। लेकिन बात कर ली जाए बेंटन के साथ बैटल की, तो बेंटन अपने एक्सेलरेट या जेटरे का यूज करके इजिली जो है कैट विशोप को डिफीट कर सकता है, क्योंकि कैट विशोप होकाई के मुकाबले काफी ज्यादा वीक है, जबकि हम ये बात जानते हैं कि होकाई भी बेंटन को डिफीट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कैट विशोप का कोई भी चांस नहीं है कि वो बेंटन के साथ बैटल कर पाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिस मार्वल, जो कि अभी हमें सीरीज में देखने को मिल रही है, और इसकी पावर एबिलिटीज की बात करें तो ये अपनी बॉडी के साइज को काफी ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टर फैंटास्टिक कर सकते हैं। प्लस में इसकी और पावर्स की बात करें तो मिस मार्वल के पास पावर है कि ये एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकती है और अपने ओपोनेंट पे एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। लेकिन अगर बेंटन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो बेंटन अपने क्रोमास्टोन या फिर फीडबैक का यूज करके इजिली जो है मिस मार्वल को डिफीट कर सकता है, क्योंकि मिस मार्वल जो है एनर्जी का यूज करती है और यहाँ पे फीडबैक और क्रोमास्टोन एनर्जी को इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और मिस मार्वल के पास अपनी अभी न्यू पावर आई है जिनका यूज करना मिस मार्वल को अच्छे से नहीं आता, तो बेंटन के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो बेंटन अपने क्रोमास्टोन या फीडबैक का यूज करके इजिली जो है मिस मार्वल को डिफीट कर सकता है। इसके बाद हमें फ्यूचर में एमसीयू में एक न्यू करेक्टर और देखने को मिलेगा जिसको आप लोग सी हल्क के नाम से जानते हो, जिसकी अभी एक न्यू सीरीज आने वाली है। तो अगर हम बात करें बेंटन की सी हल्क के साथ बैटल की, तो यहाँ पे सी हल्क के पास भी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एजिलिटी है और ये जंपिंग की पावर का यूज कर सकती है। तो अगर बेंटन के साथ इसको कंपेयर करें तो काफी सारे बेंटन के फैंस ऐसे हैं जो कि ये बात बोलेंगे कि फोर आर्म्स अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके या फिर ह्यूमंगस और अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके सी हल्क को डिफीट कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी हल्क एमसीयू की काफी पावरफुल करेक्टर है जिसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे बेंटन को अपने काफी पावरफुल एलियंस का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि वेविग या फिर अटोमिक्स, इनका यूज करके या फिर एनर्जी का यूज करके बेंटन जो है सी हल्क को डिफीट कर सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे करेक्टर जो कि हमें फ्यूचर में एमसीयू में अवेंजर की न्यू टीम में देखने को मिलेंगे, जिनको आज की हमारी इस वीडियो में हमने बेंटन के साथ कंपेयर किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।